हेलो फ्रेंड्स लास्ट चैप्टर में हमने सीखा कि चीजों पर पास्ट में कुछ एक्शन हो रहा था जैसे मकान बनाया जा रहा था कपड़े खरीदे जा रहे थे लेकिन दोस्तों क्या ये काम अपने आप हो रहे थे जी नहीं कोई ना कोई इन एक्शंस को कर रहा था चलिए आज सीखते हैं कि जब पास्ट में कोई एक्शन कर रहा था तो हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है Welcome to RPN and it's time to learn with RPN. Let's think and speak English. First of all, let's talk about self and take subject. I अगर आपको अपने खुद के बारे में पूछना है क्या मैं कोई एक्शन कर रहा था या कर रही थी जैसे क्या मैं नींद में चल रही थी? Please use was with a structure. Was I Action plus ing. Here is an action, एन एक्शन नींद में चलना इट so english of this line as per structure is was i स्लीप वॉकिंग अगर आपको अपने खुद के बारे में बताना है मैं कोई एक्शन कर रहा था या कर रही थी जैसे मैं नींद में चल रही थी प्लीज यूज स्ट्रक्चर आए

Let's understand another situation. Here is subject I who is speaking to another subject you. अगर आपने उसी के बारे में पूछना हो क्या आप कोई एक्शन कर रहे थे जैसे क्या तुम पार्टी में लड़खड़ा रहे थे So here subject is you and we will use were with this subject. Here is a structure for this sentences. Were you Action plus ing. Here is an action, ladkhadana. It means falter. So English of this line as per structure is, Were you faltering in the party? अगर आपने किसी को उसी के बारे में बताना हो कि आप कोई action कर रहे थे, जैसे तुम party में लड़खड़ा रहे थे. Please use structure. एक्शन प्लस आई एन जी सो स्पीकअर यू वोल्टरिंग अगर आपने किसी को उसी के बारे में बताना हो कि आप कोई एक्शन नहीं कर रहे थे जैसे तुम पार्टी में नहीं लड़खड़ा रहे थे प्लीज यूज स्ट्रक्चर यू वोट एक्शन प्लस आई एन जी सो स्पीकअर यू व नॉट फोल्टरिंग Let's understand another structure. Here again, subject I is speaking to subject you. But this time, subject I is asking about the third person. Here, third person can be subject he, she, or any name. We are going to use was with these third person. If you have pushed कि क्या वो कोई एक्शन कर रहा था या कर रही थी प्लीज यूज स्ट्रक्चर वॉज ही शी और एनी नेम एक्शन प्लस आई एन जी अगर आपको किसी और के बारे में बताना हो कि वो कोई एक्शन कर रहा था या कर रही थी प्लीज यूज स्ट्रक्चर ही शी और एनी नेम वॉज एक्शन प्लस आई एनजी अगर आपको किसी और के बारे में बताना हो कि वो कोई एक्शन नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, यूज स्ट्रक्चर ही शी और एनी नेम वॉज नॉट एक्शन प्लस आई एन जी हेर आर सम्पल्स क्या शो गुस्से में बड़बड़ा रही थी हेयर एक्शन इज बड़बड़ाना इट सो इंग्लिश ऑफ दिसर इज Was Anshu grumbling in anger? Here is next. She was grumbling in anger. But he was not grumbling in anger. Let's understand another structure. Here again, subject I is speaking to subject you about the third person, but this time the third person is more than one person. So here the subject is they, and we are going to use were with this third person. If please use the structure were they. एक्शन प्लस आई अगर आपको किसी और के बारे में बताना हो कि वो कोई एक्शन कर रहे थे प्लीज यूज स्ट्रक्चर दे वर एक्शन प्लस आई अगर आपको किसी और के बारे में बताना हो कि वो कोई एक्शन नहीं कर रहे थे प्लीज यूज स्ट्रक्चर दे वर नॉट एक्शन प्लस आई एन जी हेरा एग्जाम्पल्स क्या वे तुम पे चिल्ला रहे थे हेयर किसी पर चिल्लाना मीन्स शाउट एट समी सो हेयर इज द इंग्लिश ऑफ दिस लाइन वो दाउटिंग एट यू हेयर इज नेक्स्ट वे तुम पे चिल्ला रहे थे दे देवर शाउटिंग एट यू वे तुम पे चिल्ला नहीं रहे थे दे नॉट शाउटिंग एट यू Let's understand another structure. Here again subject I is speaking to subject you. But this time both are talking about themselves as a group. So here subject is Greek. Let's use were with this subject. Here are some structures. Here are some examples. Kya hum galat, kar rahe the? galat karna means do wrong. So here is the English of this line. Were we doing wrong? Here is next. Hum galat We were doing wrong. Hum nahi kar We were not doing wrong. Now let's learn some daily use sentences. Here is first. Bad badao mat. Don't grumble. जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसके बाद अक्सर कहते हैं किसी की नजर ना लगे प्लीज से इन दिस सिचुएशन टच वुड लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन मेरे अंकल नींद में चलते हैं हेयर इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन नींद में चलने वाला इट मीन्स स्लीप वॉकर नाउ स्पीक माई अंकल इज स्लीप वोकर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ इडियम्स एंड प्रोवर्बस्तों कई आदमी बहुत कामचोर होते हैं मैं उनको यही कहना चाहती हूं उचित समय पर ही कार्य कर लेना बेहतर होता है सो प्रोवर्ब फॉर द डे इज अस्टिच इन टाइम सेवस नाई अकॉर्डिंग टू दिस We should do work in time to avoid future loss. Let's do practice now with the given Hindi lines. Please pause the video. Thank you, guys. Have a nice time.